जागरूक इंडिया चैनल, जागते रहो भागते रहो। पाकिस्तान की एक कट्टर राजनीतिक पार्टी तहरीक लब्बैक ने तो भारत को खुलेआम धमकियां देना भी शुरू कर दी है। ये है तहरीक लब्बैक का सरबरा साद हुसैन रिजवी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। तहरीक लब्बैक का साद हुसैन रिजवी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। असल में जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उसके रहनुमाओं का भारत पर राज करने का बड़ा पुराना ख्वाब रहा है, इसीलिए साद हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है। लेकिन वो यही नहीं रुका, इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। हम दुनिया की अक्वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस गाजी इल्मुद्दीन का नाम साद हुसैन ले रहा है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। उसे पाकिस्तान में शहीद समझा जाता है क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले की हत्या की थी। 1923 में लाहौर में पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक किताब प्रकाशित हुई थी। किताब के प्रकाशक लाहौर के ही महाशय राजपाल थे। इस किताब पर खूब हंगामा और दंगे हुए। लाहौर के ही रहने वाले एक कारपेंटर इल्मुद्दीन ने 1929 में राजपाल की हत्या कर दी। तब से इल्मुद्दीन को पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेजी में ब्लास्फेमी और हिंदी में ईश निंदा, यानी ईश्वर की निंदा, ये पाकिस्तान में अपराध है। इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। अभी तो इमरान खान पर भी यही केस चल रहा है। ऐसा ही एक केस था आसिया बीबी का, जो एक ईसाई थी। ईश निंदा के झूठे आरोप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी के बचाव में अपनी बात रखी। सलमान तासीर ईश निंदा कानून के विरोधी रहे। आसिया बीबी से मुलाकात करने के लिए सलमान तासीर जेल भी गए थे। इसके बाद सलमान तासीर पर ही ईश निंदा का आरोप लग गया और 2011 में एक दिन सलमान के ही सुरक्षाकर्मी ने उन्हें मार डाला। सलमान तासीर को उनके सुरक्षाकर्मी मुमताज कादरी ने 27 गोलियां मारी थी और यही मुमताज कादरी भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का हीरो है और भारत को धमकाने के लिए लब्बैक वाले मुमताज कादरी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ लिखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और ना हंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं। ईश निंदा पर पाकिस्तान की पब्लिक भी कानून हाथ में ले लेती है। ये पिछले साल दिसंबर की तस्वीरें हैं, जब पाकिस्तान में एक फैक्ट्री के मैनेजर को भीड़ ने जिंदा जला दिया। पाकिस्तान के सियालकोट में ये घटना घटी थी। भीड़ ने पहले तो हाथ पैर तोड़े और फिर जिंदा जला दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।